फिलहाल कांग्रेस से कैप्टन के 52 साल पुराना जो नाता जो रिश्ता था वही नहीं टूटा। नेहरू गांधी परिवार से 70 साल पुराने रिश्ते भी टूट गए हैं। राजीव गांधी और अमरिंदर बचपन के दोस्त थे, दोनों दून स्कूल में साथ पढ़ते थे। राजीव देश के सबसे बड़े सियासी घराने के वारिस थे तो अमरिंदर पटियाला के राज घराने के वारिस। जब दोनों की मुलाकात हुई तो दोस्ती जम गई थी। एक देश के सबसे बड़े सियासी घराने गांधी नेहरू परिवार का वारिस तो दूसरा पटियाला के राजघराने का वारिस। जब मुलाकात हुई तो दोस्ती जम गई। अमरिंदर सिंह पटियाला से देहरादून के दून स्कूल में पढ़ाई के लिए पहुंचे थे तो राजीव गांधी दिल्ली से दून स्कूल गए थे। उस समय राजीव गांधी के नाना जवाहरलाल नेहरू देश के प्रधानमंत्री थे और छुट्टियों में राजीव और अमरिंदर प्रधानमंत्री आवास में धमाचौकड़ी मचाते थे। उम्र बढ़ती रही और दोस्ती पक्की होती गई। जुलाई 1959 में कैप्टन ने एनडीए खड़कवासला में दाखिला लिया। 1963 में भारतीय सेना में शामिल हुए और उन्हें दूसरी बटालियन सिख रेजिमेंट में तैनाती मिली। उधर राजीव गांधी आगे की पढ़ाई के लिए लंदन चले गए। राजीव गांधी जब सोनिया को लेकर पहली बार भारत आए तो अमरिंदर ने उन्हें पटियाला के अपने महल में ही ठहराया था। राजीव गांधी कैप्टन अमरिंदर की दोस्ती पक्की होती चली गई। राजीव ही अमरिंदर को राजनीति में लेकर आए। 1980 में अमरिंदर सिंह लोकसभा के लिए चुने गए। कैप्टन राजीव के कहने पर कांग्रेस में तो आ गए लेकिन 1984 में ऑपरेशन ब्लू स्टार के दौरान स्वर्ण मंदिर में सेना घुस गई। इसके विरोध में अमरिंदर ने कांग्रेस और लोकसभा से इस्तीफा दे दिया। अगस्त 1985 में अमरिंदर सिंह अकाली दल में शामिल हुए। 1986 में कैप्टन ने पंथिक अकाली दल का गठन किया जिसका बाद में 1997 में कांग्रेस में विलय हो गया। 2002 में कैप्टन पहली बार पंजाब के मुख्यमंत्री बने लेकिन 2007 में उनकी सरकार चली गई। 2012 में एक बार फिर कैप्टन की अगुवाई में पंजाब में कांग्रेस सरकार बनी। 2017 में भी कैप्टन के नेतृत्व में कांग्रेस ने बंपर जीत दर्ज की। 2014 लोकसभा चुनाव में अमरिंदर ने अमृतसर में बीजेपी नेता अरुण जेटली को 1,00,000 से ज्यादा वोटों से हराया था। कैप्टन अमरिंदर पटियाला के राज परिवार के वारिस हैं। पटियाला अंग्रेजों के जमाने में प्रिंसली स्टेट था और अपनी शानो शौकत और शाही खर्चों के लिए जाना जाता था। क्रिकेट और भव्य पार्टियों को लेकर पटियाला राजघराने के किस्से दुनिया भर में मशहूर हैं। कैप्टन अमरिंदर सिंह के दादा महाराज भूपेंद्र सिंह प्राइवेट प्लेन खरीदने वाले पहले भारतीय थे। भूपेंद्र सिंह ने यह प्राइवेट प्लेन 1910 में खरीदा था। पटियाला में इसके लिए बाकायदा हवाई पट्टी बनवाई गई थी। उनके प्लेन का पायलट विदेशी था, उसको तनख्वाह के रूप में मोटी रकम मिलती थी। भूपेंद्र सिंह जब विदेश जाते थे तो पूरा होटल ही किराए पर ले लेते थे। महाराजा भूपेंद्र सिंह के पास 44 रोल्स रॉयस कारें थी। एक बार तो उन्होंने रोल्स रॉयस कारों से कूड़ा उठवाने का आदेश दे दिया था। इसके बाद रोल्स रॉयस कंपनी ने बाकायदा उनसे माफी मांगी और नई कारें सप्लाई की। 1935 में महाराजा भूपेंद्र सिंह की हिटलर से मुलाकात हुई। हिटलर ने उन्हें अपनी मेबैक कार तोहफे में दे दी थी। क्रिकेट के शौकीन महाराजा भूपेंद्र सिंह बीसीसीआई के संस्थापक सदस्य थे। अपने पूर्वजों की तरह ही कैप्टन अमरिंदर का अंदाज भी शाही है। अपने पुरखों की तरह ही वे खाने और खिलाने के शौकीन हैं। अभी हाल ही में उन्होंने ओलंपिक पदक विजेताओं को मोहाली के अपने फार्म हाउस में दावत दी और खुद अपने हाथों से खाना तैयार किया था। सियासत में भी अमरिंदर का ये शाही अंदाज दिखता है। पंजाब कांग्रेस में एक खेमा उनसे असंतुष्ट था तो उसकी वजह भी कैप्टन का यही शाही अंदाज ही था। आज तक बेरोज।